दोस्तों आपका गोपाल लाजू का नमन। देखिए वास्तु दोष के बहुत सारे निदान तलाशते हैं लोग बाग, इसलिए तलाशते हैं कि परेशान रहते हैं। जो मानते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं मानते वो भी कहीं ना कहीं किसी मन के किसी कोने में भय व्याप्त रहता है कि ये सब जो हो रहा है अनर्थ कहीं वास्तु दोष के कारण तो नहीं हो रहा। अब देखिए पता नहीं क्या है, इसको सीडो साइंस बोलें या इसको अंधविश्वास बोलें, जो भी कुछ बोलें, मगर जो व्यक्ति पीड़ा भोगता है वो समझ सकता है इन सब चीज़ों को, और जो नहीं है वो तो फिर ठीक है, भगवान बहुत अच्छा करता है उसके साथ। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि वास्तु दोष के कारण कोई दोष उपज रहे हैं, चाहे वो दैहिक हैं आपके, चाहे वो भौतिक हैं, किसी भी प्रकार के हैं, कोई भी कष्ट है, उनको दूर करने के लिए छोटा सा उपाय बता रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों आप देखते रहें गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस, इनमें तरह तरह की आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो यूनिक हैं, जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको। इनको करके देखिए और बस अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दें, फॉरवर्ड कर दें, बहुत खुशी होगी। नहीं करते तो भी सुने, एंजॉय करें, कम से कम मोटिवेट तो हो ना इंसान, जिसको जिस अवेयरनेस तो हो कम से कम इंसान में। देखिए खैर नामक एक वृक्ष होता है, अब तो आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन से सब चीज़ें कितनी नष्ट हो रही हैं जल्दी जल्दी, मगर खैर का जो वृक्ष है इसका तंत्र में बड़ा उपयोग है, इसका आयुर्वेद में बहुत उपयोग है। अलग अलग नाम है इसके, देखिए खैर बोलते हैं इसको, खेर बोलते हैं इसको, केपिन बोलते हैं इसको, चंड चेट्टू बोलते हैं, और इसका एकेशिया कैटेचियो नाम है इसका लैटिन भाषा में, और बहुत सारे नाम हैं। और जो जो क्षेत्रीय अपनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, मगर जो भी है इसके आप देखें। मैं इसका खैर के वृक्ष का मैं चित्र दे देता हूँ। ये वो होता है जिससे कत्था बनता है, है ना, कत्था तो सब जानते होंगे, जो कत्था बीज जो जो पान में जो लगाया जाता है ना, जो लाल लाल कर देता है होंठ, वो अलग कत्था बनता है, वो खैर की लकड़ी से बनता है, वो एक अलग प्रोसेस है उसका। तो इस लकड़ी के चार छोटे छोटे से टुकड़े काट लें, लगभग 21 इंच के, है ना, और अगर आपका प्लॉट छोटा है या आपका घर छोटा है या आपका मकान छोटा है तो उसके प्रमाण में कम ले लें, 17 इंच का ले लें, मगर लें कि ऑड संख्या में, चाहे 17 ले लें, चाहे 11 ले लें, चाहे 9 इंच ले लें, है ना, अच्छा है 21 इंच ले लें। और ये देखिए वहाँ तो बहुत सारा लोग हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या होने वाला है, ओके, और जहाँ पे हो गया है तो फिर वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस लकड़ी की जो आप ये बनाएंगे, इसके ये लंबी सीधी सीधी लकड़ी ले लीजिए, ये धरती में गाड़नी है कील की तरह। गाड़नी कैसे हैं ये समझ लीजिए, घर की कोई भी या प्लॉट की या आपका जो भवन जहाँ बनने जा रहा है वहाँ चार कोने पकड़ लीजिए आप। ऑब्वियसली हर घर में लगभग चार कोने होते ही होते हैं, तिकोना वाला मकान है तो उसकी अलग कहानी है, उसको भी चार कोने बना लीजिए, चार कोने में दबा दीजिए। ये लकड़ी ऐसे दबानी है, किसी घर की कुंवारी कन्या कोई है अगर आपके, अगर नहीं है तो कोई छोटा बच्चा घर में हो, उसके हाथ से सफ़ेद रंग का कच्चा सूत ले लें और इसको 108 बार लपेट दें, सूत को चारों लकड़ियों पे खैर के, ये लपेट जाएंगी घर के या भवन के या फ्लैट के या जो आपका प्लॉट है या जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चार कोनों में चार गड्ढे कर लीजिए, है ना, तो गड्ढे इतने बड़े कीजिए, अपने जो मालिक होता है उसके सवा हाथ गहरा गड्ढा किया जाता है, गड्ढा कर लिया और गड्ढे में ये कीलें बैठा दीजिए, उसमें समा दीजिए और चारों तरफ से पाट दीजिए। फिर उसके बाद में जैसे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन अपना चालू रखिए, उसको चलता रहे अपना, और अगर कंस्ट्रक्शन हो गया, बना बनाया मकान है, तो फिर वो व्यवस्था कर लीजिए कि चार कोनों में करके कैसे दबाएंगे आप। और फिर इसके बाद में जब दबा दें आप, अगर आपका प्लॉट है, अगर आप बनने जा रहा है तो सिर्फ क्या करना होता है इसमें, देखिए हम मंत्रों को मानते हैं, मैं एक शावर मंत्र दे रहा हूँ, मैं ये हमारे निषाद जी हैं, हमारे मित्र फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देते रहते हैं और बहुत सारे हम लोग मिलकर बहुत काम करते हैं इन सब चीज़ों के, उनके द्वारा मिला था मुझे, तो मैं ये मंत्र धीरे धीरे बोल देता हूँ। ये मंत्र का जाप करें और 84 आहुतियाँ
है ना, एक मंत्र जाप करें और एक आहुति, ये सामग्री आप मिक्स कर लें, गूगल, सरसों, कनेर के लाल फूल, इन चीज़ों को मिला लें, इनसे अग्नि हो प्रज्वलित कर लें, कंडे की बना लें या लकड़ी के बना लें, समधियों की बना लें, और 84 आहुतियाँ इस शावर मन की जपते हुए आप देते रहें। ये मैं मंत्र धीरे धीरे बोल भी देता हूँ। ओम नमो गुरु का आदेश आदेश आदेश, हुंडो काटे फनक जल जले, साधे हरि घनो फणि धरि जरी फट, हुंकारी देवी चामुंडा, शब्द साचा पिंड कांचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये जो शावर मंत्र होते हैं, इनका मैंने अलग से भी दिया होता है कि इनकी कोई भाषा नहीं होती, इनमें कोई लय नहीं होता, इनमें कोई ताल नहीं होती, है ना। तो ये पूरा इसका मैंने इसके विषय में दिया है। और ये जो कीले दबानी है आपको, ये मृक्षरा नामक नक्षत्र में दबाएं, जो ये पंचांग में देख लेंगे तो जब मृक्षरा नक्षत्र आएगा तो उस मृक्षरा नक्षत्र में ये कीलें आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब तक नक्षत्र रहे इसको दबाना है। और दबाने के बाद में भूल जाइए, फिर उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन करना है जैसे करना है। आप देखिए कि वास्तु दोष निवारण करने के लिए खैर की लकड़ी की जो बनाई कीलें हैं, ये जो आपने दबाई हैं, ये मिरेकुलसली आपको इफेक्ट देंगी। कैसा भी वास्तु दोष है आपको, आपको लगेगा कि धीरे धीरे वो शांत होने लगा, उसका निवारण होने लगा, उस दोष के दोष से आप मुक्त होने लगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। दोस्तों लाइक ज़रूर करें, गोपाला जी को फॉरवर्ड करें।